नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सीधी भर्ती के जरिए सरकार कई सारे पद भरने जा रही है, जिसके बाद नगर निगम के आधा दर्जन से ज्यादा कर्मचारी संगठनों ने लामबंद होकर संयुक्त मोर्चा बनाया है, जो दिसंबर माह में अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करने जा रहा है। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि लंबे समय से निगम में प्रमोशन नहीं हुआ है। दैनिक वेतन भोगी से विनियमित किए गए कर्मचारियों को अभी तक नियमित नहीं किया गया। इसी तरह करीब डेढ़ दशक से कई 29 दिवसीय कर्मचारियों के भविष्य को लेकर भी सवाल खड़े हैं, तो वहीं सफाई कामगार से लेकर अन्य कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर भी निगम प्रशासन की सोच नहीं है। यही वजह है कि सारे संगठनों ने मिलकर दिसंबर में 3 दिनी विरोध प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है। वहीं नगर निगम नेता प्रतिपक्ष विस्तार जकी ने हड़ताल का समर्थन किया है। उन्होंने सरकार और निगम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। कर्मचारी लगातार अपनी मांगों को लेकर देखिए, नगर निगम कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज हैं। डेपुटेशन के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, और जो मूल नगर निगम के कर्मचारी हैं वो बेचारे आज की डेट में HO या राजस्व अधिकारी बने हुए हैं, जबकि उनको उपायुक्त होना चाहिए। तो सभी कर्मचारियों की ये मांग है और सभी ये चाहते हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि उनकी पदोन्नति होना चाहिए। उनके पास योग्यता है तो उनको उस योग्यता के आधार पर उनकी पदोन्नति की जाए, और जो विनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए, जो अर्धकुशल हैं उनको कुशल किया जाए। ऐसे तमाम कर्मचारी हैं जिनकी अभी तक पदोन्नति नहीं हुई है, और वो बेचारे 25 दिवसीय कर्मचारी के रूप में सालों से लगातार 20 साल हो गए, 15 साल हो गए और काम कर रहे हैं, जबकि शासन के दिशा निर्देश आ चुके हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने विवेक से नगर निगम उनको स्थायी कर दे, लेकिन नगर निगम को तनख्वाह अधिक देना पड़ेगी, इसलिए उनको सरकार के पाले में डालकर और उनको नियमित नहीं किया जा रहा, जो उनके साथ अन्याय है। नगर निगम के विकास के कार्य रुके हुए हैं और अभी तक फंड रिलीज नहीं किया गया है। बिल्कुल, नगर निगम का जो 25% राशि का शहर सरकार महापौर जी ने जो हम लोग को पत्र भेजा था जोन वाइज कि 25% आपकी फाइलों को बुकिंग किया जाए, तो हमारी कई फाइलें जो हैं पहले से बनी हुई थी और जो हमने नई फाइल बनाई है वो मुख्यालय में पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर अभी तक बजट सैंक्शन नहीं हुआ। उसकी वजह ये बताई जा रही है कि अभी सेफ पर पैसा नहीं है। तो हमारा ये कहना है कि एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम 25% आपको दे रहे हैं, दूसरी तरफ जब हम लोग फाइल बना रहे हैं तो वो हमारी फाइल फटाफट एक मतलब दिन के अंदर होना चाहिए ना। 2019 से लेकर लगातार 2022 तक कोई काम नहीं हुए हैं और वो काम विकास के रुके पड़े हैं, प्लस जो 3 साल से लोगों के मतलब ठेकेदार जो हैं उनका पेमेंट भी नहीं हो रहा, तो वो अगला काम ले ही नहीं रहे। कितने सारे ऐसे ठेकेदार हैं जिनके हाथ पैर जोड़ के बोलना पड़ रहा है कि भैया काम कर लो, तो वो बोले हमारे 15 लाख फंसे हैं, 20 लाख फंसे हैं, आप हमारा पेमेंट करवाइए नगर निगम से तभी हम नया काम लेंगे। तो ऐसी व्यवस्था तो बनी हुई है, तो हम तो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम लोग काम कैसे करेंगे। ऐसी शहर सरकार आई है कि जो हम एक भी काम नहीं कर पा रहे। नगर निगम के अंदर बजट ही नहीं है, और माननीय मुख्यमंत्री बोलकर कहते हैं कि हम किसी को परेशान नहीं होने देंगे, लेकिन उस परेशानी का कोई हल नहीं निकल रहा है। आप लोग सभी मीडिया के साथ यहाँ पर मौजूद हैं, आते जाते हैं अपनी अपनी गाड़ियों से, तो आप देखते होंगे कि शहर के कितने सारी सड़कें ऐसी हैं जिसमें गड्ढे भी अभी तक नहीं भरे गए हैं, और मेरे वार्ड के अंदर वार्ड नंबर 24 मुख्यमंत्री के पीछे वाली सड़क में इतने गड्ढे हैं, और उसके प्रस्ताव भी बनाकर मैं 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।